महापुरुषों को नमन करते हुए आज फिरोजाबाद जिले के कुंभ विधानसभा का एक गांव यहाँ की कमेटी यहाँ उपस्थित इधर मेरे दाएं वाले जो बैठे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान हमारे बहने माए चाची दादी इधर बाई बाजू में हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग जिम्मेदार समाज साथी को मेरा जय भी नमस्कार। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जारी हुआ जानकारी में आया कि मैं कुंडला में प्रोग्राम पर आपको बुलाया है। मैं आज आगरा आया था तो मैंने से कहा कि अगर उन्होंने याद किया बुलाया तो जरूर चलेंगे, तो इसी बहाने से इसी बात इसी कारण से मैं यहाँ चला आया आपके लिए। लेकिन मैंने जब देखा पिछले आधे घंटे में वो बहुत डरावना कि नौजवानों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ जिस समाज को बैठने में आधा घंटा लगेगा ना वो समाज याद करेगा ये सपना अपने दिमाग से दूर निकाला जिसको कह कह के बिठाना पड़ा हो ना वो कहा कितना स्कूल जाते हो ना क्लास में जाते हो जाते क्या कभी टीचर बुलाने से पहले आपको कहता कि बैठ जाओ जब आपको यहाँ पर बाद में आपको सिखाने आए हैं अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो बैठ के नहीं तो कैसे काम होगा बेटा। आप ये भी सोचो आप अपने मन से ये भी सोचो मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको जब आप सीखना भी चाहो भाई मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपका ध्यान कहीं और होगा आप कैसे सीख जाओ। उसके बाद ये भी सोचो कि अगर सीखने की बात है तो उससे पहले तो बड़े बड़े विद्वान आके समझाने गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं तथागत गौतम बुद्ध आए हैं सतगुरु रविदास आए हैं गुरु नानक देव आए हैं संत कबीर आए हैं घासीदास जी आए हैं फिर माननीय काशीराम साहब आए हैं ज्योतिबा फुले साहब आए हैं साहू जी महाराज आए तो भाई उनकी समझ के तुम लोग समझदार नहीं बने भैया तुम लोग ये खिला दूंगा तुम तो मैं तो समझा ही करता हूँ जो हमें समझा के गए और हमारे समझ में आने के बाद आपको समझा सकता हूँ। तो जयंती की तो हार्दिक बधाई लेकिन आपको ये नसीहत भी मेरी कि सिर्फ 14 अप्रैल या उसके आसपास दो चार दिन जयंती मना के बाबा साहब का सपना कभी पूरा हो ही पहली बात तो बाबा साहब का सपना क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात बाबा साहब का सपना क्या है उसको पूरा कैसे करना है इसको हमें अपनी नजर में दिमाग में हर समय रखना पड़ेगा। तीसरी बात वो सपना कितने लंबे में समय में पूरा होगा उसका टारगेट हमें बना के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं पहले उसमें बहन माताओं से बात करूं आप लोग ठीक है देखो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी बहने माता नीचे बैठती है जमीन पर इनको ये उनको भी बराबर का अधिकार मिले इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। तो पहली लहर में तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को गलत साबित कर देते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मांगता हूँ तो जिस समाज की महिला बहन बेटियां वो जमीन में बैठी है उस समाज के पुरुष तखत में बैठे हो मेरे लिए आपने इतना अच्छा सोफा लगाया हो मेरे सर में चांदी का मुकुट सजाया हो तो सम्मान कहाँ है आप बताओ सम्मान तो यही इसको अगर आपने धरती में दसा दिया तो फिर कहाँ सम्मान है हमें मैं वही तो कह रहा हूँ बाबा साहब का मिशन क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो ये तुम दोनों भाई चुप हो जाओ लड़ो मत हमारे लोग बाबा साहब ने कब कहा था नशा करना बताओ लेकिन मैं लिख के देता हूँ यही मैं 10 से 20 लोग आपको दिखा दूंगा मैं नशा कर रहे हूँ। बाबा साहब की बात करना आसान है बाबा साहब के नाम पे धन कमाना बहुत आसान है बाबा साहब के नाम पे बेवकूफ बनाना आसान है लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं अपने जो नौजवान फोर्स है अभी मैं प्रदेश जी से कह रहा था संजय भाई से भी कह रहा था मैं ये बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी फौज है इसके अंदर जो किसी भी समय विद्रोह कर सकते हैं लेकिन अच्छा सोच लो क्या बाबा साहब तलवारों से बंदूकों से लड़ने में रात ला गए क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा क्या उन्होंने किसी का कत्ल किया क्या वो सड़कों पे आके कहीं नारेबाजी करके हमें अधिकार मिला उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया जब हमारे लोग उस रास्ते पे चलने लगे और फिर ज्ञान के दे तो भाई मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ बाबा साहब ने नारे दिए शिक्षित बनिए संगठित बनिए संघर्ष कीजिए
हम लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि हम अभाव में रहने वाले लोग हैं। मिलता था तो था नहीं, अब थोड़ा बहुत मिला है उसमें आप अपने छीन रहे, उस तरफ नहीं देख रहे जहां हमारा हिस्सा छीन के रखा गया है। हम अपने घर में तो देख रहे हैं कि अच्छा मेरा भाई आगे बढ़ गया, मेरा हिस्सा ले गया, मेरे चाचा आगे बढ़ गए, मेरा हिस्सा ले गया, मेरी दादी आगे बढ़ गई, मेरी माँ आगे बढ़ गई, मेरा हिस्सा ले गई। जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है उनकी तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि हमें पता नहीं कि वहां हमारा है क्या। चलो उससे भी आगे बढ़ो। मैं तो बाबा साहब को जितना मैंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं। मेरी बात साफ आ रही है, पक्का साफ आ रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। आप बताओ अपने घर में ले जाकर अपने बहनों माता और कितनी किताबें पढ़ाई, बताओ अगर हाथ माता जी ने अपनी बहनों माता को संविधान ले जाकर दिया उसको पढ़ो, बताओ कौन से अध्ययन है बाबा साहब? ऐसे बदल जाएगा समाज। अरे जब मेरी बहनों को, माओ को, मेरी बच्चियों को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को ये नहीं पता होगा क्योंकि अधिकार क्या है तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी। आप तो बाबा साहब का नाम लेते हो, महान विश्वास पाखंडवाद बड़े पैमाने पर घर में जन्म ले रहे हैं, तो फिर कैसे मिशन पूरा हो जाएगा? एक दिन तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़ने से, माता टेकने से, मूर्ति पूजा के सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की। देखो गदर की बात, हमने पलट दिया उनका मिशन बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह के समय दो घंटी बजेगी, मेरी बात पर गौर करना, सुबह के समय दो घंटी बजेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की, तुम्हारी मुक्ति के रास्ते स्कूल की घंटी से खुलेंगे। जब तुम स्कूल की तरफ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझदार बनोगे और समझदारी से तरक्की के रास्ते खोलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वरना आजादी से पहले हजारों साल और आजादी के बाद अब 60 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल, बताओ आपको बिना मेहनत किए कुछ मिला है? जब बिना मेहनत किए कुछ मिला नहीं तो भाई फिर किसके भरोसे? जब आपको रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो उस समाज से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिसका 95% समाज सुबह उठ के मेहनत मजदूरी ढूंढता है, तब जाकर बच्चों को रोटी मिलती है। मैं कहां से गर्व करूं? मैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आपके सामने? मैं आपको हवाई जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूं। देखो, मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार, और जो अधिकार छीन ले गए हो वो छीनने पड़ते हैं। आज तुम्हारे अधिकार इस देश में छीन ले गए हैं, और छीनने के लिए चाहिए शक्ति, ताकत, और ताकत है वोट में। आज के समय लोकतंत्र है, यहां पहले राजतंत्र था, पहले लड़ाई जीती जाती तलवारों से, भालों से, गोलियों से, तोपों से, बंदूकों से। अब है ये लोकतंत्र, आपकी वोट आपकी संख्या तय करती है कि इस देश में राज कौन करेगा। अब आप ये बताओ आपका राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। देखो मैं आपको मीठी मीठी बातें बताऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको सोया हुआ छोड़ के चला जाऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम एक ही तरीके से चलता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है कि आप अपने पैर तले की जमीन को खिसकते हुए देख रहे हैं और चुप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो वो अपनी बेड़िया स्वयं काट लेगा। आप ईमानदार से सोचो आपके हिस्से में आया क्या इस देश में? 70 साल के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि सबको बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और बराबरी की जो है सबकी जिम्मेदारी, आप बताओ कि आप हिस्से में क्या है? कितनी जमीनें आपके पास है? कितने बिजनेस आपके पास है? कितनी नौकरियों में आप लोग हो? अरे मेरे ठगे समाज के लोग कभी तो जागोगे, अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो कब जाओगे बताओ? मैं कह रहा हूं एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मिलान से कभी आपका हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के मिशन को सुबह में यहां ध्यान में रख के रात को सोते हुए यहां रखना पड़ेगा, सुबह यहां उठकर ध्यान रखना पड़ेगा, और पूरे दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तब जाकर पूरा होगा बाबा साहब। यहां हमारे पास सम्मान जो गठन हमारे पार्टी के छोटे भाई जो है निमेश बोध जी, मुरारी सिंह जी, और ये महेश चंद्रा जी, विक्की जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष संजीव निमेश जी, मैं आप सबको भी कह रहा हूं ये गुलामी बहुत तेजी से हमारे तरफ बढ़ रही, बहुत तेजी से। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने का काम जो है समझ लो, क्योंकि इस देश की एक व्यवस्था, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान,
जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इस देश में नई पॉलिसी बना के संविधान हटा के गुलाम बना देना चाहते जैसे आजादी से पहले के लोग। अब मैं समझता हूं कि ये जो नौजवान जो है ये तो गुलामी नहीं चाहिए, सौगे गुलामी। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेता हूं, जानो कैसा जीवन जियो, जी लोगे? ये तो उन्होंने सिखाया मैंने तुम्हें, क्या सिखा? स्वाभिमान सम्मान की रक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक करनी है। और यहाँ मांगने वाला नहीं देने वाला समाज बन के जो है ना, देने वाला समाज, मालिक बनना इस देश में, मालिक इस देश की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है। इस देश के का जो सपना था परम पूज्य जी आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि बोध में देश बने, इस देश में भाईचारा बने इस देश में। और एक बहुत बड़े संत हुए संत सुब्रमण्य सद्गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा है ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनो अन्न, और छोटे बड़े सब बसे रविदास हुए। जब तक इस देश से गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक इस देश में महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता से बाहर निकाल के स्वाभिमान सम्मान का की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक कि हमें भी हमारी सदारी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे जैसे चाहे हजार लोग आ जाए, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं आप कितने दिन बाद जागने वाले? क्या आप अपने मन सवाल करते हो कि हम बाबा साहब के आचरण को कितना समय दे रहे हैं, क्या बाबा साहब के आचरण कितना आगे बढ़ा रहे हैं? भाई पढ़ लिख तो आप इसलिए रहे कि रोजगार मिल जाए, लेकिन पढ़ लिख के क्या अपना समाज के लिए लगा रहे? अगर आप नहीं लगा रहे तो आप धोखा कर रहे हैं बाबा साहब। मैं मेरी बहने आज बैठी, देखो मैंने जो सीखा है वही मैं